हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने एक केस में जो है बिल्डर से 1.2 करोड़ का सेटलमेंट किया, और जो बिल्डर है उसने जो है पहली इंस्टॉलमेंट, ये तो मैं जी हाँ ये है पहली इंस्टॉलमेंट जो है टोटल 8 या 9 करोड़ की पूरी वो क्लेम था मेरा, और 1.2 करोड़ रुपीज़ जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसमें जो है रिफंड हो गया मेरा। देखिए, केस जो है ये मैंने NCDRC में लड़ा था, और केस के अकॉर्डिंग जो है प्रिंसिपल और 14% इंटरेस्ट जो है मुझे अवार्ड हो गया था। अब क्या हुआ कि अवार्ड होने के बाद भी जो है बिल्डर जो है पे करने को रेडी नहीं था। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी, तो ऑब्वियसली डिले हुआ पोजेशन देने में, तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने जो है रिफंड मांगा। टोटल इसमें 8 क्लाइंट्स हैं जो जिनका टोटल क्लेम ही सबका मिला के 5 या 6 करोड़ आए, और इंटरेस्ट मिला के 8 या 9 करोड़ के आसपास अभी पहुंच गया है। 14% इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट मिला है जो उनको जो अवार्ड हुआ है, अभी कोर्ट ने जो अवार्ड किया है रिसेंटली, और अभी जो है NCDRC का ये ऑर्डर था। अब क्या हुआ कि जब मैंने ये अवार्ड मेरे फेवर में आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जो है एग्जीक्यूशन इसके लिए फाइल करनी पड़ी। अब देखिए, एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल होता है। आपको जो है सर्टिफाइड कॉपी जो भी ऑर्डर या जजमेंट किया है वो लगा के एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है सेम कोर्ट ने जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब क्या होता है इसमें, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे जो है बिल्डर ने जो है बहुत ही शातिर था बिल्डर, और उसने बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब फिर भी ऑर्डर पास होने के बाद भी जो है कंप्लाई नहीं किया। मेरे क्लाइंट्स को बहुत टाइम वेट करना पड़ा, बट जब वो कोर्ट में आया मामला, तो मैंने जो है थोड़ा जज के थ्रू जो भी आर्ग्यूमेंट्स किया मैंने अपना, कि इन्होंने जो है पिछले 3 या 4 महीने से 1 रुपया नहीं दिया है, तो हमें जो है इनकी कोई भी डील जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो किसी डील पर आना चाहता था, कोई नेगोशिएट करना चाहता था, तो हमने सीधा सीधा मना कर दिया। अब जो है कोर्ट के पास 2 ही चारे बचते हैं, या तो बिल्डर को जेल भेज दें, या फिर उसकी जो संपत्ति है उसको कुर्की करके पैसा रिकवर कराएं। तो 2 ऑप्शंस थे। अब क्या होता है कि जेल भेजने से हमें कोई रिलीफ नहीं होगा, और जो प्रॉपर्टी की कुर्की है उसमें भी कई महीनों का टाइम वैसे भी लग जाता है। तो हमने क्या कहा, पहले दिन तो हमने कोई सेटलमेंट नहीं की, बट जब अगले दिन, क्योंकि कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया था कि या तो आपकी जो कंपनी है हम उसे इंसॉल्वेंसी में भेज देंगे, इंसॉल्वेंट कर देंगे, यानी उसे दिवालिया घोषित कर देंगे, तो ऑब्वियसली 10 करोड़ या 11 करोड़ के क्लेम के लिए जो कोई भी कंपनी जो है वो दिवालिया नहीं होगी। 1,000-2,000 करोड़ की कंपनी, उसके लिए दिवालिया की अगर नौबत आ जाए तो ऑब्वियसली वो कंपनी प्रेशर में आ जाएगी। तो अगली ही डेट पर वो कम से कम 15% जो भी अमाउंट था हमारा वो लेके आए थे। तो उसमें क्या हुआ, इनकी इन्होंने हमसे पहले डिस्कस भी नहीं किया कि ये इतना अमाउंट ला रहे हैं और कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं हमसे, पर क्योंकि टाइम कम था तो मैंने जो है थोड़ा सा टाइम जज साहब से मांगा, और 20 या 25 मिनट में मैंने जो है अपने क्लाइंट्स को थोड़ा कन्विंस कर लिया, और उनको थोड़ा विश्वास भी हुआ कि बिल्डर जो है धीरे धीरे करके उनके पैसे जो है लौटा देगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो है हमने एक्सेप्ट कर ली, 1 करोड़ 20 लाख की जो इंस्टॉलमेंट थी वो हमने पूरी एक्सेप्ट कर ली, और बाकी के जो पैसे हैं वो 120 दिनों के अंदर आने की उम्मीद है। इसके अंतराल में जो बिल्डर है उसका अपील राइट है वो जजमेंट के खिलाफ, तो वो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, क्योंकि NCDRC के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही बचता है जो एक रिलीफ का जो माध्यम है। अब जो है आगे जो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कैवियट एप्लीकेशन डाल चुके हैं, ताकि हम प्रिपेयर रहे पूरी तरह की बिल्डर की जो भी आगे जो भी स्टेप होगा उसको जो है हम काउंटर कर पाए। तो बहुत ही मुश्किल है पैसा निकलवाना, बहुत ही तकनीक और स्ट्रैटेजी लगती है। ये मैं एक लाइव केस जो है आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है बिल्डर ने 1.2 करोड़। तो कभी भी जो है जब भी ऑर्डर हो जाए सेटलमेंट आप मत करिए, बिना पैसों के सेटलमेंट नहीं करिए। अगर वो 10% या 15% देता है उसके बाद ही जो है सेटलमेंट के लिए जाइए, तो वो कुछ ना कुछ टर्म्स पे आपसे एग्री होगा जो आपके फेवर में होगी, और धीरे धीरे करके आपका जो है पैसा आ जाएगा। अगर बिल्डर इकट्ठे देने के मूड में नहीं है तो ऑब्वियसली आपको टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि
या तो वो जेल जाएगा या उसकी संपत्ति कुर्की होगी, कुर्की में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि अगर कुछ कुछ अमाउंट आता रहे और सेटलमेंट हो जाए उसमें तो वो ज़्यादा बेटर है, रादर देन कोई ड्रास्टिक स्टेप जैसे जेल और कुर्की, वो बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप्स हो जाते हैं। वो जो है तब होना चाहिए अगर बिल्डर बिल्कुल भी एक रुपया देने को रेडी नहीं है, तो वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए एग्जीक्यूशन में। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है कि कैसे जो है आप NCDRC के थ्रू या कंज्यूमर फोरम के थ्रू जो है पैसा, आप फंसा हुआ पैसा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट कर देते हैं वो निकलवा सकते हैं। मेरे केस में ये बेनिफिट हुआ, आज मेरे क्लाइंट्स के हाथ में जो है कुछ ना कुछ रकम आई है और आगे भी आएगी, तो होपफुली कि आगे भी इनको जो है बिल्डर कंप्लाई करेगा शर्तों पे और पैसा जो है थोड़ा थोड़े टाइम के बाद देता रहेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो। धन्यवाद।